नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। इस चुनावी आपाधापी में जब झारखंड में मात्र अब 4-5 दिन रह गए हैं पहले फेज के मतदान को और 20 तारीख को महाराष्ट्र में होगा उपचुनाव, भी 13 तारीख को, और पंजाब, केरल और उत्तर प्रदेश में 20 तारीख को होंगे। जब पक्ष और विपक्ष के तरफ से लगातार एक दूसरे पर प्रहार हो रहा है, इसी बीच शंकराचार्य ने एंट्री ली है। शंकराचार्य का चुनाव से कोई लेना देना नहीं, लेकिन शंकराचार्य का एक वक्तव्य कहीं ना कहीं भाजपा को हिट करते हुए दिखाई देता है। जगत गुरु ज्योतिष पीठाचार्य शंकराचार्य अभिमुक्ति शिवरानंद ने एक बड़ा बयान दिया और उस बड़े बयान के तहत उन्होंने कहा कि कश्मीर में धारा 370 बहाल हो जाए, बहुत बड़ी बात है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि हम गो भक्त हैं, इसलिए चाहते हैं कि कश्मीर में धारा 370 बहाल हो। धारा 370 के अंदर रणबीर दंड संहिता भी लागू थी, जिसके तहत गो हत्या करना आदि में मृत्यु दंड तक की सजा थी। कश्मीर में गो हत्या नहीं हो सकती थी जब तक धारा 370 लागू थी। जब से धारा 370 हटी, वह गो हत्या होने लगी है। धारा 370 में हमारे पक्ष में जो बातें थी उनको बरकरार रखकर हटाना था। अब शंकराचार्य जी जो है वो आगरा मालवा में सलरिया स्थित कामधेनु गौ अभ्यारण्य के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। उन्होंने कई कंट्रोवर्शियल इश्यूज पे बात कही और 370 धारा ये क्या थी, 370 में प्रोटेक्शन क्या था, 370 ये जो संविधान में जोड़ा गया था, ये असल में जम्मू कश्मीर में जब राजा साहब की हुकूमत थी आजादी के पहले से, और वहां के कुछ आसपास के राज्यों के लोग वहां आते थे और कश्मीरी लोगों की जो अधिकार थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए 370 के तहत कई चीजें वहां कश्मीर रियासत में थी। जब देश आजाद हो गया, कश्मीर रियासत सबसे बाद में उसका विलय हुआ भारत में, हालांकि उसके बाद हैदराबाद का हुआ, पाकिस्तानियों ने हमला बोल दिया, कश्मीर महाराज भारत के साथ विलीन होना चाहते थे, विलय हुआ। उस समय जो कुछ विशेष अधिकार थे कश्मीर के, वो कश्मीर के साथ रहेंगे, एक विशेष दर्जा रहेगा, इसके तहत तब 370 के जो तमाम पहले से जो प्रावधान थे, जिसमें शंकराचार्य कहते हैं ये रणवीर दंड संहिता भी लागू थी क्योंकि वो हिंदू राजा थे। अब भाजपा जब पूरे चुनाव में 370 हटाई और पूरा क्रेडिट लेना चाहती है, तो अब उनकी जवाबदेही भी बनती है कम से कम इस बात की जवाब देना कि 370 आपने हटाई, लेकिन जो बातें सनातन धर्म के लिए जरूरी थी उसे बरकरार रखना था, या फिर 370 के बारे में वाकई वस्तुस्थिति क्या है ये सरकार को बतानी होगी। शंकराचार्य के इस वक्तव्य से यदि सरकार अपनी जवाबदेही समझती है तो, हालांकि सरकार भले ही सनातन धर्म की बात करती है, सरकार राम की बात करती है, सरकार माने भारतीय जनता पार्टी, लेकिन शंकराचार्य को नहीं मानती, क्योंकि राम जन्मभूमि
में जब मंदिर बना और अधूरे मंदिर में जब राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तो प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा अधूरे मंदिर में धर्म संगत नहीं है। इसके लिए जब शंकराचार्य, चारों शंकराचार्य ने उस कार्यक्रम में आने से मना भी कर दिया, और लगातार शंकराचार्य ये बात वक्तव्य दे रहे थे, उसके बावजूद शंकराचार्य की बात को नकारते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय लगातार प्राण प्रतिष्ठा पे अड़ा रहा, और आखिर में प्राण प्रतिष्ठा अधूरे मंदिर में हुई। अधूरे मंदिर में सनातन धर्म में कभी प्राण प्रतिष्ठा होती नहीं भगवान की। लेकिन उत्तर जो लोकसभा के चुनाव थे, और लोकसभा के चुनाव में रामलला को पूर्ण रूप से कैश करना था, जैसी धारा 370 पे की जाती है, तो 370 पे क्या सरकार बात करेगी, क्योंकि सरकार जनरली जवाब भी नहीं देती। ऐसे कई सवाल है जो विपक्ष भी उठाता है, ऐसे कई सवाल है धर्माचार्य भी उठाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से मौन रहती है। और ये सवालों को बगल देना, ये यहां तक या डक करना, वो यहां तक चलता है कि मणिपुर के मामले में विपक्ष ये जानते हुए भी कि उनके पास पर्याप्त समर्थन नहीं है, अविश्वास का प्रस्ताव लेके आता है, सिर्फ इसलिए कि मणिपुर पे चर्चा हो। पूरा विपक्ष मणिपुर पे चर्चा करता है, लेकिन सत्ता पक्ष मणिपुर पे एक शब्द भी नहीं बोलता, और बोलता है तो बहुत ही पासिंग रेफरेंस देता है। और इंदिरा गांधी की इमरजेंसी से लेके 1962 की चीन की लड़ाई की हार तक का उल्लेख होता है। तो जवाबदेही तो सरकार या भाजपा की नहीं है, लेकिन शंकराचार्य जो सनातन धर्म में विश्वास रखते हैं, वो शंकराचार्य को मानते हैं और उन्हें लगता है, तो फिर सरकार जो लगातार वक्तव्य देती है वो सिर्फ जुबानी जमा खर्च है या नहीं। क्या 370 हटी है? नहीं, 370 अभी भी संविधान में बरकरार है। तो फिर सरकार ने क्या किया? सरकार ने 370 की सेक्शन बी हटाई। सेक्शन बी में क्या था? सेक्शन बी में वो चीज थी जो जिस दिन विधानसभा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाएगा, कश्मीर को जो अब यूनियन टेरिटरी है, वो फिर एक अपना खुद का प्रस्ताव पारित कर सकते। वो लैंड एक्विजिशन था, जमीनी अधिग्रहण। जम्मू कश्मीर में कोई भी बाहर का आदमी जमीन नहीं ले सकता था। 370 के सेक्शन बी के तहत अब वो जमीन बाहर का आदमी खरीदता है, बस इतना अधिकार मिल गया। एक अधिकार और था 370 बी में, वो केंद्र को अधिकार था कि वो कभी भी बिना राज्य सरकार के सूचित किए या कॉन्फिडेंस में लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस और मिलिट्री फोर्सेस जम्मू कश्मीर में भेज सकती थी। अब सेक्शन बी खत्म होने से केंद्र सरकार ने अपने भी पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली, जिसके चलते उन्हें जम्मू कश्मीर को तोड़कर केंद्र शासित प्रदेश या अर्ध राज्य की स्थिति में लाना पड़ा, ताकि केंद्र का इंटरवेन रहे। वैसा देखा जाए तो धारा 370 के तहत आने वाली तमाम सुविधाएं या जो प्रोविजंस, जो एक अलग से फैसिलिटीज जम्मू कश्मीर में थी, उसको आजादी के बाद से भाजपा यानी 2014 के पहले तक, यानी ओरिजिनल आजादी मिलने से फिर कंगना रनावत की आजादी तक, यानी कंगना रनावत ने 2014 से आजादी मिली ऐसा कहा था देश को, तब 37 बार धारा 370 में अमेंडमेंट हुए, और शैने शैने तमाम सुविधाएं जो अधिकार थे जम्मू कश्मीर के वो खत्म हो गए। कुछ जगह अमेंडमेंट हुए, एक दो जगह सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय रहे, जिसके तहत 370 धारा खोखली हो चुकी थी। फिर सेक्शन बी हटा के पूरे देश में लगातार प्रधानमंत्री स्वयं, कोई दूसरे ऐरे गहरे नेता बोलते तो बात अलग है, प्रधानमंत्री स्वयं 370 हटाने की बात करते हैं, वो शुद्ध रूप से धूल झोंकते हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद ने यही कहा कि आपको कुछ प्रोविजंस तो उसमें रखने थे। अब ये सरकार पे है कि सरकार क्या इस पे जवाब देगी। और ये मामला यहाँ तक ही नहीं है, अभी मुक्तेश्वरानंद ने आगे भी बहुत सारी बातें कही,
उन्होंने तो अमेरिका के नतीजों तक बात कही। उन्होंने कहा कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत जो है, यदि आप ये कहते हो कि भारत के लोगों ने ट्रंप को जिता दिया अमेरिका में, तो यह भी मानना पड़ेगा कि भारत के लोगों ने भारतीय मूल की महिला को हरा दिया। भारत के लोग भारत के ही खिलाफ है। ट्रंप पहले भी राष्ट्रपति थे, उनके कार्यकाल में कौन सा लाभ भारत को हुआ? ट्रंप की जो नीति है वो भारत के लोगों को भगाएगा। सच्चाई यही है कि तानाशाही की जीत हुई है, कारपोरेट जगत की जीत हुई है। अभी मुक्तेश्वरानंद कई बार राजनीतिक टिप्पणियां भी करते हैं। एक जब उनको कुछ सवाल पूछा गया, उसमें उन्होंने कहा कि संबल के समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर रहमान बर्क ने महाकुंभ के दौरान गैर सनातनी को दुकानें लगाने की इजाजत नहीं देने की आंकड़ा परिषद को विरोध किया। उन्होंने कहा था कि महाकुंभ में अगर मुस्लिमों को जगह नहीं दी जाती तो मुस्लिम जगहों पर मुसलमान भी हिंदुओं को जगह नहीं देगा। इस पर पलटवार करते हुए जगतगुरु शंकराचार्य ने कहा यह बहुत जरूरी है, वो मुस्लिम धर्मस्थलों पर भी बैन लगाए। हमारे भाई भटक कर वहां चले जाते हैं, चादर चढ़ाते हैं, वहां सारी चढ़ोत्तरी तो हिंदुओं के द्वारा होती है। राम अपनी जगह ठीक है, खुदा अपनी जगह ठीक है, लेकिन और ये जो राम खुदैया है, यानी राम भी और खुदा भी एक साथ, यह ठीक नहीं। अगर इस्लाम का कोई काम हो रहा है तो वहां हिंदुओं की जरूरत नहीं, वैसे ही हिंदुओं के काम में इस्लाम की कुंभ में उनकी जरूरत नहीं, मजार पर हिंदुओं की जरूरत नहीं। जितने जल्दी वो बैन लगे हम उसका स्वागत करते हैं। कुल मिलाकर चुनावी के बीच में धारा 370 के भूत को फिर से भाजपा के सामने खड़ा कर कुछ चुनावी गर्माहट तो शंकराचार्य जी ने डाल दी। आज इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।